Dear students, good morning to all of you. Welcome to the class of Business Studies. Dear students, today our topic for discussion will be the public corporations. What do you mean by public corporation? Let us start. This is the second part of public enterprise. In the previous video, we discussed about the departmental undertakings, and today we will discuss about the public corporations. Public corporation होता क्या है ये मैं आपको पहले brief में थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा. It will be established by the state or by the center, means by the state legislature भी establish किया जा सकता है और ये parliament में भी कर सकते हैं. इसको special act, जो under the special act of parliament 1934 के अंदर इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसको रजिस्टर्ड किया जाता है, और फिर ये उसी एक्ट के अंदर जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करता है. तो चले पढ़ें. पब्लिक कॉरपोरेशन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस विच आर एस्टेब्लिश अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विच प्रोवाइड फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ रनिंग दैम. मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि अगर सेंट्रल के तहत इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है तो पार्लियामेंट में ही होता है, और अगर इसको स्टेट के अंडर इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर रजिस्टर्ड होता है. मीन्स जो भी इसका मैनेजमेंट करेगा, जिसकी भी ओनरशिप में ये जाएगा, ठीक है. द पावर एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड एंड द रिलेशंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर सेट स्पेसिफाइड. तो इस एक्ट में 1934 में क्या बताया गया यहाँ पे कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस इस पर लागू होंगे, जो भी इसको प्रिविलेजेस मींस जो इसको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब हैं. पब्लिक कॉरपोरेशन हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. इनका अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है, लाइक कंपनीज की तरह आप देख सकते हैं उसको, विच मीन दैट दे कैन परचेज एसेट्स इन देयर नेम, हैव कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज एंड कैन शू एंड बी शूड. मीन्स ये भी दूसरों पे केस कर सकते हैं और दूसरे भी इन पे केस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये डायरेक्ट डील कर सकते हैं, ठीक है. ओके यस. देयर एंटायर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और ये ज्वाइंटली भी हो सकती है, मीन्स दोनों की इसमें को पार्टनरशिप हो सकती है. विच मीन्स दैट दीज कॉरपोरेशंस आर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बट दे हैव द राइट टू गेट लोन फ्रॉम द पब्लिक. लेकिन इनको ये भी राइट है कि ये पब्लिक से लोन ले सकते हैं, ठीक है. अनलाइक द एंटरप्राइज ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशंस आर नॉट शोन इन द बजट. कल हमने पढ़ा था ना वीडियो में कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स को अपने बजट्स अप्रूव कराने होते हैं, और बिकॉज वो बजट्स अप्रूव कराते हैं मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है उनका, तो उनको अपनी सभी डिटेल्स भी गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी. बट यहाँ पे इफ़ यू विल टॉक अबाउट द पब्लिक कॉरपोरेशंस, देन नो नीड टू डिस्क्लोज देयर बैलेंस शीट, देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स डिटेल्स एटसेट्रा. ओके तो यहाँ पे बताता है, इन इंडिया द चीफ पब्लिक कॉरपोरेशन इंक्लूड्स, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जो हमारे पब्लिक कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं. LIC का सुना होगा आपने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारा पब्लिक कॉरपोरेशंस में आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है हमारा, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस हैं, फूड कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है. तो ये जो 7 आपको दे रखे हैं, दीज आर रन अंडर द पब्लिक कॉरपोरेशन. ओके तो ये था हमारा. उसके बाद फीचर्स पढ़ेंगे हम कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस. तो फीचर्स में देखिए यहाँ पे द फर्स्ट इज फॉर्मेशन. एज आई टोल्ड यू कि ये स्पेशल एक्ट जो हमारा 1934 एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, ये इनकी फॉर्मेशन होती है या ये बनाए जाते हैं. उसके बाद है ओनरशिप. The corporations are completely under the ownership of the government. Government के ownership में ये run किए जाते हैं, means owner कौन है यहाँ पे, government. Management,
The management of these corporations is looked after by the nominated directors of the government. Means all the things are done by the government, because public means government ke liye. Financing, their complete financing is done by the government. If need arise, they can borrow from the public. Public se bhi ye le sakte hain, theek hai. To ye iski features hain kuch. Aur uske baad next feature hai hamari appointment. Corporations have their own rules regarding the appointment. Jo appointments hoti hain unse related inke apne rules hote hain. Inhone the service conditions are fixed by the board of directors. The employees of corporations, like departmental undertakings, are not the employees of the government. Okay, means kehta hai yahan pe ki jo appointments hoti hai na wo direct government ke through nahi hoti, like UPSC aur humne kal padha tha SSC ke through. Yahan pe ye jo corporations hai ye apni alag se vacancies nikalta hai, theek hai, aur usi ke according fir jo hai appointment hoti hai. Separate legal entity, as I told you, के जो public corporations होते हैं हमारे, इनकी अपनी अलग से legal entity होती है. ये अपने name से contact कर सकते हैं, अपने name से property purchase कर सकते हैं, sale कर सकते हैं, और if needed then they can sue on the third party also. Administrative autonomy. There is no legal political interference in the corporations. Like yesterday we discussed na ke government ka bahut zyada interfere hota hai, to yahan pe political interfere na ke barabar hi aap maan ke chaliye isko. They are free to utilize their powers which they get through the act. To unko jo act ke under jo bhi unka ek tarah se aap ye laga sakte ho ki articles of association jo banta hai उसके अंडर है कि इनको वर्क करना पड़ता है. एंड इनके राइट्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनका वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा, ऑल द थिंग्स आर मेंशन देयर. मेरिट्स देखिए कॉरपोरेशंस के. ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, एज आई टोल्ड यू दैट फंक्शनिंग जो हमारी होती है उसमें गवर्नमेंट का कोई भी जो है इसमें वो नहीं होता. आप कह सकते हो कि इसको इंटरफेयर नहीं होता, तो इंडिपेंडेंटली दे कैन डू द वर्क. Quick decisions are quickly as there is no necessary formalities. Yes, corporations ने अपने decision लेने हैं तो वो easily ले सकते हैं, quick decisions ले सकते हैं. Efficient management यहाँ पर होता है. बात करते हैं हम किसकी, efficient management की. तो देखिए इसमें beside the representative of the employees and the consumers, the government also nominates the professional managers to the board of directors for the corporation. देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि government appoints board of directors, okay, for the effective management. Apart from it, the employees are paid enough salary. First of all, तो government जो experts होते हैं, जो IAS या जो civil services से higher rank लेकर निकलते हैं, उनको choice दी जाती है, they want to adopt it, okay. और उसके अलावा बताता है कि क्योंकि अच्छी salaries दी जाती है अपने employees को, सभी facilities देते हैं, तो when the employee is satisfied with the employer, तो he will do his work with fully dedication. And if the work is done with full dedication, then work will be efficient. And the social service motive, the main and the secondary aim of the corporation are social service and profits respectively. देखिए यहाँ पे यहाँ बताया गया है कि जो जो पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं उनका मेन मोटिव होता है पब्लिक की सर्विस, पब्लिक को सर्विस भी प्रोवाइड कराना एंड टुगेदर प्रॉफिट्स भी अर्न करना. लाइक हमने प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ा था ना, द मेन मोटिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट्स ओनली. ऑल दो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो फुलफिल्ड बाय द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट्स. बट इन द पब्लिक कॉरपोरेशन बोथ द ऑब्जेक्टिव विल गो टुगेदर. ओके, सोशल सर्विस मोटिव, द मेन एम ऑफ सेकेंडरी
the main and the secondary aim of the corporations are service motive respectively. For example, no profits or very limited profits is taken for the service provided by the corporation. प्रोटेक्शन टू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे बताया गया है कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो यू कैन से कि हम एक तरह से पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है. द कॉरपोरेशंस आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे भी हमारा जो है हमें रिपोर्टिंग करना होता है कि हमने कितना किया, ठीक है. द कॉरपोरेशन यूटिलाइज द पब्लिक मनी इन ए प्रॉपर वे टू अवॉइड द एनी क्वेश्चनिंग, एज रिजल्ट पब्लिक इंटरेस्ट इज सिक्योर्ड. और इफ़ वी आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो हमारे को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे को उधर ये भी बताना पड़ेगा कि वाई वी आर डूइंग दिस, रिपोर्टिंग भी हमें करना पड़ेगा. तो ये हमारे कुछ एक बेनिफिट्स थे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस. देखिए, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन दैट इफ वी विल टॉक अबाउट समथिंग, तो प्रोज एंड कॉन्स विल गो टुगेदर. अगर उसके मेरिट्स हैं तो कुछ उसकी लिमिटेशंस भी होंगी, ठीक है. तो देखिए क्या है, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. एज आई टोल्ड यू इन द मेरिट्स एंड इन द फीचर्स के जो ऑपरेशंस हैं, मींस जो वर्किंग है हमारी, वो फुल्ली ऑटोनॉमी है, मींस पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होता. बट डियर स्टूडेंट, इट इज़ ओनली इन द बुक्स के नहीं होता, इंटरफेयर गवर्नमेंट का उनमें भी होता है. देखिए, टू डिक्लेयर द कॉरपोरेशंस हैव ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन इज ओनली थियोरिटिकल, सिर्फ बुक की शाही है, थ्योरी में है. इन रियलिटी देर इज़ ए कम्प्लीट गवर्नमेंट इंटरफेयर, गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेयर होता है इसमें. कोई भी डिसीजन कॉरपोरेशन अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, ठीक है. देन द सेकेंड इज लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स. कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो ये आपने आपका सेकेंड पॉइंट है ना, डियर स्टूडेंट्स लिसन, ये पॉइंट्स पब्लिक सेक्टर में जितने भी हमारे पार्ट्स हम पढ़ेंगे, आगे भी और पढ़ेंगे, सभी में ही आएगा. बिकॉज़ क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कंपटीशन में काम नहीं करते, वो काम करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए. तो यहाँ पे अब जब कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं होंगी, आप इसका एग्जांपल अपनी क्लास से लीजिए. अगर आपकी क्लास में कॉम्पिटिशन नहीं है, मींस आपको लगता है कि नोबडी इज़ देयर टू कम्पीट, ठीक है, या मुझे कोई, आप इतना सेटिस्फाई होगे, यू आर इन द स्टेज के भी आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉम्पिटिशन नहीं करना. जिस दिन आपका कंपटीशन करने का जो एक तरह से आप लगा सकते हो कि आइडिया है, या आपने जो परसेप्शन बनाया था, अगर वो आप ड्रॉप कर देते हो, तो आपकी ग्रोथ उसी दिन रुक जाएगी, ठीक है. सो ऑलवेज बी इन द कंपटीशन. तो यहाँ पे बताता है कि इसकी एक ये डिमेरिट है, लिमिटेशंस हैं कि लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स. द कॉरपोरेशंस आर केयरलेस इन देयर एक्टिविटीज़ इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स. क्योंकि कॉम्पिटिशन है नहीं तो केयरलेस तो बढ़ेगी, ठीक है. कॉम्पिटिशन होगा तभी तो हम हर पॉइंट पे बड़ा केयरफुल होकर काम करेंगे, ठीक है. और इग्नोरिंग सर्विस मोटिव. और यहाँ पे कहता है द बोर्ड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूटिलाइज देयर पावर फॉर देयर पर्सनल यूज़. वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं कंपैरेटिव टू सोशल वेलफेयर. तो यहाँ पे ये जो है सर्विस मोटिव को ध्यान में नहीं रखा जाता, ठीक है. यूटिलिटी से रिलेटेड सम पॉइंट्स दे रखे हैं, यू मे रीड देम योरसेल्फ. ओके, सो टिल देन थैंक यू.